अमित खान की चौपाल पर पेश है मेरी नई कविता बहन मुल्क जैसी होती है। आइए सुनते हैं। बहन मुल्क जैसी होती है, वो छोटी हो या बड़ी पर दर्जा बुलंद रखती है। लाल किले की प्राचीर जैसा या हिमालय की तरह अनंत। बहन जिसे देखने को तरसती हैं आंखें, जब हो जाती है उसकी शादी, जैसे मुल्क पराया हो गया हो या हम जा बसे हों किसी गैर मुल्क में। किचन की मसालेदार खुशबू में, दीवार के प्लास्टर की लकीरों में अब उसका अक्स नजर आता है। दालान में उसकी आहट गूंजती है या तेज बारिश के मौसम में गरम पकौड़ियां लेकर उसका आ जाना। सच में उसकी बहुत याद आती है, हवाएं तक उसका एहसास कराती हैं। बहन मुल्क जैसी होती है, वो छोटी हो या बड़ी पर दर्जा बुलंद रखती है। जैसे एक फौजी करता हिफाजत मुल्क की, वैसे ही भाई रखवाली करता है बहन की। वो मान भी है, सम्मान भी है, वो भाई का गुरूर अभिमान भी है। जैसे बहता है दरिया मुल्क में, वैसे ही बहती है वो प्यार बनकर। बहुत बोना लगता हूं मैं उसके सामने, कद जरूर बड़ा हो गया है मेरा, उम्र में भी उससे कुछ बड़ा हूं, लेकिन फिर भी जब उसके सामने जाता हूं बच्चा बन जाता हूं। बचपन के वही दिन याद आने लगते हैं, बस्ता लेकर स्कूल जाना, छुपा छुपाई खेलना, आपस में 10-10 पैसे को लेकर झगड़ना। अब सच में हम बड़े हो गए हैं, न पैसों की कीमत रही, न बारिश में भीगना ही अब अच्छा लगता है। मैं कभी कभी उस आदमी को देखता हूं जो अग्नि के गिर्द फेरे लेकर चुरा ले गया था मेरी बहन को। 7 फेरों का मतलब मैं नहीं समझता, लेकिन मैं उन जन्मों का मतलब जरूर समझता हूं जो मेरी बहन को मुझसे जोड़ता है 7 जन्मों के लिए। सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं होता, बहन भाई का भी होता है। ये रिश्ता तो और भी ज्यादा मजबूत है। पति पत्नी का रिश्ता टूटता सुना है, पर बहन भाई का रिश्ता कभी नहीं टूटता। झगड़े होते सुने हैं, पर झगड़ों का क्या है, झगड़े तो आज हैं कल नहीं। उसके नन्हे मुन्ने भी बड़े प्यारे लगते हैं, उनके साथ खेलता हूं तो बचपन में बहन के साथ खेलना याद आता है। अब कागज की नाव तो नहीं रही, ना रहे मिट्टी के खिलौने, लेकिन उनके साथ पोकेमॉन गो खेलना वही आनंद देता है जैसा खेला करता था मैं बारिश के पानी में अपनी बहन के साथ। वह जब 1-2 साल में आती है तो घर अपना लगने लगता है, मुल्क पराया नहीं रहता। किचन में प्लास्टर की लकीरें मिटकर सच्चा आकार ले लेती हैं, उसकी मुस्कुराहट भर देती है दीवार के रंगों में एक जिंदगी। और उसके बच्चे भी तितली की तरह लगते हैं जो पूरे घर को बाग बना देते हैं। बस वही आदमी विलन लगता है, कभी मोगेम्बो कभी गब्बर सा, जो अग्नि के गिर्द फेरे लेकर छुरा ले गया था मेरी बहन को, फिर भी उससे मोहब्बत करने को दिल चाहता है। उसके सामने जाकर नजरें झुक जाती हैं, पूर्णम आंखों से देखता हूं उसे, कहता हूं तुम जरूर विलन हो पर वो हीरोइन है मेरे घर की, ख्याल रखना उसका। बहन मुल्क जैसी होती है, वो छोटी हो या बड़ी पर दर्जा बुलंद रखती है, पर दर्जा बुलंद रखती है।